में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा 8 डे टाइम एपीआई के बारे में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट द जावा 8 डे टाइम एपीआई, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम प्रायर टू जावा 8 विथ रिस्पेक्ट टू डे टाइम एपीआई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द इशू विथ ओल्ड डेट एंड टाइम क्लासेस बिफोर जावा 8, राइट। सो there have been several problems with the date and time related classes before java 8. some of them are point by point dekhte hain. first problem, java date time classes are not defined consistently. we have date class in both java.util as well as java.sql packages, right. again formatting and parsing classes are defined in java.txt package, right. so java.util mein date hai aur java.sql mein bhi date classes hai. क्लास नेम भी सेम है। जावा डॉट यूटिल में जो डेट है वो आपको टाइम स्टैम्प देता है, डेट और टाइम दोनों मिलता है, और जावा डॉट सिक्वल में सिर्फ डेट देता है। और लाइक सिंपल डेट फॉर्मेट एंड ऑल विच वी यूज फॉर द डेट फॉर्मेटिंग दैट इज अंडर जावा डॉट टेक्स्ट पैकेज, राइट। सो डिजाइन इटसेल्फ इज वेरी बैड। नाउ जावा डॉट यूटिल डॉट डेट कंटेंस बोथ डेट एंड टाइम, वेयर एज जावा डॉट सिक्वल डॉट डेट कंटेंस ओनली डेट। हैविंग दिस इन java.sql package does not make sense, right. also both the classes have same name, this is very bad design itself. this is the second problem. now third problem kya hai, all the date classes are immutable, right. so they are not thread safe, it's one of the biggest problem, right. so jitne bhi classes are like date which belongs to java.util, java.sql, simple date format even calendar, aage hum dekhne wale hai calendar class, time zone, ye sare क्या है मुटेबल है, तो थ्रेड सेफ नहीं है। नाउ डेट क्लास डज नॉट प्रोवाइड इंटरनेशनलाइजेशन, देर इज नो टाइम जोन सपोर्ट, राइट। ये जो डेट क्लास आपने देखा जावा डॉट यूटिल में, जावा डॉट सिक्वल में, ये सब इंटरनेशनलाइजेशन या टाइम जोन सपोर्टिव नहीं है। एंड दैट्स वाई जावा के जावा लेटर पॉइंट ऑफ टाइम केम विद द जावा डॉट यूटिल डॉट कैलेंडर क्लास एज वेल एज टाइम जोन, बोथ बिलोंग्स टू द जावा डॉट यूटिल पैकेज, जावा ने इंट्रोड्यूस किया। बट दे ऑल्सो ऑल हैव द प्रॉब्लम लिस्टेड अबव, मतलब ये क्लासेस भी आप देखोगे तो कैलकुलेशन वाइज इफ यू वॉन्ट टू डू सम काइंड ऑफ यूटिलिटी ऑपरेशन इट्स रियली डिफिकल्ट एंड कन्फ्यूजिंग वेन यू यूज कैलेंडर। और टाइम जोन वगैरह हैंडल करना है, और सबसे बैड है कि ये दोनों क्लासेस भी थ्रेड सेफ नहीं है, मोटेबल क्लास। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जावा 8 डे टाइम एपीआई। Java 8 date time API is designed to overcome all the flaws in the legacy date time implementation. Some of the design principle of new date time API are, ek ek karke hum dekhte hain. Pahla, immutability. All the classes in the new date time API are immutable and good for multi-threaded environment. To jitna bhi API hai, classes design kiya gaya hai जावा 8 में, वो सारे इमोटेबल है, तो विदाउट फियर यू कैन यूज इन द मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट। नाउ सेकेंड बेनिफिट, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, द न्यू एपीआई सेपरेट्स क्लियरली बिटवीन ह्यूमन रीडेबल डेट टाइम एंड मशीन टाइम लाइक यूनिक्स टाइम स्टैम्प। इट डिफाइंस सेपरेट क्लासेस फॉर डेट टाइम टाइम स्टैम्प टाइम जोन एक्सेट्रा, राइट। सेपरेशन ऑफ कंसर्न बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है Java 8 date time API. Now, when we talk about the clarity, the methods are clearly defined and perform the same action in all the classes. For example, to get the current instance, we have now methods. There are format and parse methods defined in all these classes rather than having a separate class for them, right? So, API is tarah se design kiya gaya hai ki Java 8 mein ek class, जैसे एक लोकल डेट है, लोकल टाइम है, लोकल डेट टाइम है, तो कोई एक क्लास पे आप काम कर लेते हो तो वर्किंग ऑन अदर क्लास वुड बी वेरी वेरी इजियर। दैट्स वाई पॉइंट सेज ऑल द क्लासेस यूज फैक्ट्री एंड स्ट्रेटजी पैटर्न फॉर बेटर हैंडलिंग। वंस यू हैव यूज्ड द मेथड इन द वन ऑफ द क्लास, वर्किंग विद अदर क्लासेस वॉन्ट बी हार्ड, राइट। एक क्लास पे आपने लोकल डेट पे काम कर लिया था, लोकल टाइम पे या लोकल डेट टाइम पे काम करना बहुत ईजियर होता है। नाउ when we talk about the utility operations, like let's say कि कोई डेट है उसमें आप
नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ मंथ्स ऐड सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, इस तरह का फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, पार्सिंग करना चाहते हैं, राइट। सो ऑल द न्यू डेट टाइम एपीआई क्लासेस कम्स विद द मेथड्स टू परफॉर्म कॉमन टास्क सच एज प्लस माइनस फॉर्मेट पार्सिंग गेटिंग सेपरेट पार्ट इन डेट एंड टाइम। डेट और टाइम है तो उसमें से सिर्फ आप डे निकालना चाहते हो, ईयर निकालना चाहते हो, मंथ निकालना चाहते हो, या डेट टाइम है इसमें से टाइम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। दिस ऑल ऑपरेशंस आर वेरी इजी इन जावा डेट टाइम एपीआई, राइट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एक्सटेंडेबल। द न्यू डेट टाइम एपीआई वर्क्स ऑन आईएसओ कैलेंडर सिस्टम बट वी कैन यूज इट विथ अदर नॉन आईएसओ कैलेंडर एज वेल। या नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द जावा डेट टाइम एपीआई पैकेजेज, राइट, कितने पैकेजेज है इसमें, तो प्राइमरीली इसमें 5 पैकेजेज है, राइट, जिसमें जो बेस पैकेज है जावा डॉट टाइम, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट ईच एंड एवरी पैकेज। सो हियर यू कैन सी द पैकेज डिजाइन। सो बेस पैकेज क्या है, जावा डॉट टाइम, उसका जावा डॉट टाइम डॉट क्रोनो, जावा डॉट टाइम फिक्स है सभी में, उसके सब में सफिक्स है, जावा डॉट टाइम डॉट फॉर्मेट, जावा डॉट टाइम डॉट टेम्पोरल, जावा डॉट टाइम डॉट जोन, right? So when we talk about the first base package java.time, this is the base package of new java date time api. All the major base classes are part of this package, such as local date, local time, local date time instant, period, duration, ye sare classes jo mainly hum log day to day life mein use karte hain, ye sare ke sare classes important classes java.time se belong karta hai. All of these classes are इमोटेबल एंड थ्रेड सेफ। अ गुड थिंग इज दैट कि सारे क्लासेज जैसा कि मैंने पहले बोला कि थ्रेड सेफ है, बिल्कुल इमोटेबल है, थ्रेड सेफ है, लाइक स्ट्रिंग क्लास इन जावा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस क्लासेज विल बी सफिशियंट फॉर हैंडलिंग कॉमन रिक्वायरमेंट्स, राइट। ज़्यादातर है कि आप इसी पैकेज से यूजली जितने भी क्लासेस आप यूज करते हो, अनटिलेस यू डू नॉट गो फॉर द सम कस्टमाइजेशन एंड ऑल। नाउ नेक्स्ट जो पैकेज है जावा डॉट टाइम डॉट क्रोनो, राइट। दिस पैकेज डिफाइंस जेनरिक APIs फॉर नॉन ISO कैलेंडर सिस्टम्स। वी कैन एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट क्रोनोलॉजी क्लास टू क्रिएट आर ओन कैलेंडर सिस्टम। आप अपना खुद का कैलेंडर क्लास डिजाइन करना चाहते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्रोनोलॉजी है इस पैकेज में क्लास, उसको एक्सटेंड करके आप खुद का कैलेंडर भी, कस्टम कैलेंडर भी आप डिजाइन कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पैकेज जावा डॉट टाइम डॉट फॉर्मेट, right? This package contains classes used for formatting and parsing date time object, right? Most of the times we would not be directly using them because principal classes in java.time package provide formatting and parsing methods, right? Usually hum java.time.format mein kuch constants hai jo declare hai wo sab hum use karte hain. Now java.time.temporal, right, this package contains temporal object and we can use it for find out a specific date or time related to date time object. For example, जैसे कि आपके पास डेट है, राइट, और उससे आप let's say if you want to find the last or first day of the month, this kind of our last or first day of the year, right, ये सब चीज़ें आप निकाल सकते हैं, राइट, temporal. Now last but not the least, we have a java.time.zone. This package contains classes for supporting different time zones and their rules, right? So these are the packages we have, right? But most of the times we have been using java.time package, but you should understand these things, how basically beautifully this date time API has been revamped in Java 8, right? So design is really really beautiful. All classes are immutable and thread safe, right? And doing all kind of operation, like all kind of utility operation is easier in Java 8 date time API. But still I would like to tell you, Java always respect the legacy, right? So even though let's say if you migrate your project or if you upgrade your project previous Java version to Java 8, means Java 7 to Java 8, Java 6 to Java 8, then whatever classes you have in legacy classes like java.util.date, java.sql.date, java.util.calendar, java.util.timezone, still that is going to work in Java 8, right? So if you want to upgrade your source code after upgrading into Java 8, if you want to modify your source code so that you may use Java 8 date time API, that you can do. But still there won't be any compilation error if you upgrade Java 7 to Java 8. All those legacy classes is going to work in Java 8 as well. But of course, we should, if you
implement some new functionality, you should always use Java 8 Datetime API, I would say. Thank you so much for watching this video, and see you there in the next video tutorial.